मामा मुझे अदिति को हराना है और मुझे इस चीज को जीतना ही है, तभी तो मैं निर्वाण के साथ बैठ पाऊंगी। निर्वाण Who's that? बहुत क्यूट है मगर अदिति के साथ बैठता है। तभी तो आप अदिति को हराने के लिए इतनी बेताब है। आपको पता है रिया ने अदिति और उसकी मम्मी को प्रैक्टिस करते हुए देखा, दोनों बहुत तेज भागती हैं। नो प्रॉब्लम, तुम भी तो तेज दौड़ती हो और वैसे मैं भी अपने स्कूल के ट्रैक टीम में रह चुकी हूँ। एक्सक्यूज मी मम्मा, ये एक रेस है, आपका कोई केस नहीं जो आप हमेशा जीती है। एक्सक्यूज मी यंग लेडी, यू बेटर वॉच इट। ओके वॉच इट। बाय मिस सनाया वर्मा, आप कुछ भूल तो नहीं रही हैं? ओ हाँ, लव यू। लव यू टू, सी यू सून। ओके गुड बाय। बाय, सी यू लेटर। यस मिस्टर परमार। मैडम वो आज अब्बास के केस की फाइनल हियरिंग है 11 बजे। थैंक्स, आई विल बी देयर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रेडी? ऑलवेज। काश हाई हील्स केस जिता देते। कुछ खेल कर आ रहे हो? नहीं, हारे हुए लग रहे हो। All rise. Your Honor, मेरा क्लाइंट एक जाना माना हिस्ट्री शीटर है। एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, असॉल्ट, हर तरह के इल्जाम है इस पर, जिसके लिए इसने सजा भी काटी है। ये इसकी हिस्ट्री है और आज उसे इसी हिस्ट्री की कीमत चुकानी पड़ रही है। Your Honor, ये एक्सटॉर्शन का एक ओपन एंड शट केस है। होता मिस्टर प्रोसिक्यूटर अगर आपके पास इसे साबित करने का कोई ठोस सबूत होता। वो सो कॉल्ड डिक्टाफोन जिसका बार बार जिक्र कर रहे हैं वो है कहाँ? उसको बड़ी चालाकी से पुलिस स्टेशन से गायब कर दिया गया है। वॉच वेयर यू गोइंग विद दैट मिस्टर प्रोसिक्यूटर, पुलिस आपकी साइड है मेरी नहीं। और इसीलिए हमारे पास उसकी जगह पुलिस का बयान है योर ऑनर, जो अनफॉर्चुनेटली कबूल नहीं किया जा सकता। योर ऑनर इनके पास कोई सबूत नहीं है। योर ऑनर दिस इज प्योर हैरेसमेंट। This case must be dismissed. Defendant Abbas Abdul Razak, not guilty. मुबारक हो। एडवोकेट वर्मा, मुबारक हो, हम जीत गए। हम नहीं, तुम, सिर्फ तुम जीत गए अब्बास, congratulations. मिस अब्बास में चाहे 100 बुराइयां क्यों ना हो, अपना कर्ज उतारना कभी नहीं भूलता। कभी जरूरत पड़े तो याद कीजिएगा, हाजिर हो जाऊंगा। कभी नहीं, दुआ में यकीन रखते हो तो दुआ करना कि हम फिर कभी ना मिलें। कभी नहीं। ये जिंदगी बड़ी अजीब है मिसेज वर्मा, जो कभी नहीं हुआ होता है वो कभी ना कभी जरूर हो जाता है। ये लो। ये क्या है? तुम्हारे लिए गिफ्ट है। इसी के बिना पर तुम्हें 5 साल की सजा हो सकती थी। ये आपके पास आया कहां से? हर चीज की कीमत होती है, बस पता सिर्फ ये करना होता है कि किसे और कैसे खरीदना है। इंस्पेक्टर योहान, तुम्हारा अमिताभ बच्चन लुक और तेवर यहां काम नहीं करेगा। तो आप बताइए मैं क्या सिंघम बन के घूमू? तुम पर करप्शन का सीरियस चार्ज है। ये करप्शन क्या है वो मुझे समझाना पड़ेगा। रोकड़ा रोकड़े को खींचता है, रोकड़ा जब रोकड़े से मिलता है तो और रोकड़ा पैदा करता है। किसी रोकड़ा आज इसका है, कल उसका है, परसों पता नहीं किसका होगा। और रोकड़े का ये कैरेक्टर आपसे बेहतर कौन समझ सकता है रोकड़े साहब? तुम्हारे तोते ने सब बक दिया है, यू आर इन बिग ट्रबल नाउ। छोटा मोटा ट्रबल तो मुझे सूट भी नहीं करता है रोकड़े साहब। रही उस घटिया ओडीपी मैनेजर की बात, तो लेट मी आस्क यू सिंपल क्वेश्चन। मुझे कितनी बार डेकोरेट किया जा चुका है, कितनी बार मुझे पुलिस मेडल से नवाजा जा चुका है? 3-4 बार, मगर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है रोकड़े साहब, आप एक डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर की जगह एक घटिया से ओडीपी मैनेजर की बात पे यकीन कर रहे हैं, जिसके सांबर से कैरोसिन की बू आती है। उसने कबूल किया है कि तुम्हारी तरफ से घूस की रकम वही वसूल करता था। और अगर मैं कहूं कि कमिश्नर साहब की तरफ से घूस की रकम मैं वसूल करता हूं तो क्या करेंगे आप? पकड़ेंगे उन्हें? तुम्हारी ये घटिया आर्ग्यूमेंट्स अदालत के लिए रहने दो। यू आर सस्पेंडेड विथ इमीडिएट इफेक्ट।
अच्छे खासे करियर की बजा दी तूने। सब तेरी मेहरबानी रोके। तू गया यार, इस बार केस बहुत पक्का है। जानता हूँ कोई कच्चा खेल थोड़ी खेलेगा तू। सिर्फ 2 दिन में तेरा वारंट निकल जाएगा। हाँ, एक रास्ता है जिससे तू बच सकता है। बोल बोल, सुन रहा हूँ मैं। बाकी के लोग तो 5 के नीचे राजी नहीं थे, लेकिन मैंने बोला भाई अपना आदमी है योहान, हम लोग नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। बात को घुमा मत, भा बोल। 1.5 करोड़ सिर्फ तेरे लिए। 1.5 करोड़? अबे मैं खुद लंगर की लाइन में खड़ा हूँ, तेरे लिए दावत कहां से अरेंज करूंगा रोकड़े। जैसे लेना जानते हो ना, वैसे देना भी सीखो। खाने का हक सिर्फ तुम लोगों का है क्या, वो भी अकेले अकेले? डेढ़ करोड़। यहां सबका एक ही तकिया कलाम है, 1000 के नोट पे बापू को सलाम है। इस बार तू गया जवान। जय हिंद। अरे मिस्टर परमार, कैसे हैं? रातें कैसी गुजर रही हैं आपकी? शिलाजीत मिला आपको असली? आप मुझको बताते, मैं दिलाता हूं। देखिए मिस्टर योहान, आपको पहले ही बताया जा चुका है कि मैडम बिजी हैं। जी हाँ, तो मैं फ्री हूँ। अरे अरे, देखिए आप हद से बाहर जा रहे हैं। मैं हद से बाहर नहीं, हक से अंदर आ रहा हूँ। मिस्टर परमार, इट्स ओके, वी आर ऑलमोस्ट डन हियर। एक्सक्यूज अस प्लीज। यस मैम, थैंक यू। शिलाजीत वाली बात बताऊं? प्लीज आप गो आउट। बाय। सनाया कैसी है? ठीक है, तुम्हें याद करती है यार। हम लोग एक दूसरे को स्कूल टाइम से जानते हैं, राइट? तो स्कूल की मॉनिटर हुआ करती थी वहाँ, और हम लोग फटीचर बैक बेंचर्स। और तुम तब भी गड़बड़ करते थे? नहीं, लड़ते थे हम लोग, बट कोर्स दोस्त थे। अब भी है? बोलो क्या बात है अनु। इस बार मैं क्या, एंटी करप्शन वालों ने ऐसा टाइट किया है कि मुझे सीधा सस्पेंशन मिलेगा। एंड इमेजिन, इंस्पेक्टर योहान ऑफ ड्यूटी। ऑफ ड्यूटी है तो अच्छा है, लोग सेफ महसूस करेंगे। लोग नहीं, क्रिमिनल्स। एक दिन की छुट्टी पे जाता हूँ, ईद बनाते हैं वो। अभी पिछली बार डेंगू हो गया था, दिवाली बनाने लगे थे। तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त होने के बावजूद मुझे नहीं पता कि तुम सच में ईमानदार हो या करप्ट। करप्ट मैं नहीं हूँ, रोकड़े 1.5 करोड़ रुपया मांग रहा है मुझसे घुस का। पुलिस लाइन में करप्शन को देखा जाए तो भी पॉवर्टी लाइन के नीचे आता हूँ मैं। 1.5 करोड़ रुपया? यानी कि तुम करप्ट नहीं हो। द होल ब्लडी सिस्टम इज करप्ट। 100 रुपए के घूस को प्रसाद बोलते हैं और 1.25 करोड़ के प्रसाद को घूस बोलते हैं। दैट्स हाउ इट इज। मेरे बाप से झगड़ के मैं पुलिस वाला बना था। अब अगर निकाल दिया तंदूर में बिठा के रोटी सिखाएंगे मुझसे, अच्छा लगेगा तुमको? तुम्हारी सेहत के लिए शायद वही ठीक है। यार अब्बास रज्जाक जैसे कभी नहीं इंसान का केस तुम ले सकती हो, मेरा नहीं। और कैसी फॉर्म है तुम्हारी, सिर्फ गिल्टी लोगों का केस लेती है? बेकसूर, हमारी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। ओके, आई विल अफोर्ड योर फीस। कितनी फीस तुम्हारी? मुझे पता है दोस्त होने के लिए तुम लोगी नहीं फीस मुझसे, वो बात अलग है, बट मैं दूंगा। शट अप, शट अप, इट्स ओके, आई विल थिंक अबाउट इट। यू विल थिंक अबाउट इट? अभी कहां जा रही हो? जिम जा रही हो? सनाया का स्पोर्ट्स डे है, उसके साथ रेस में पार्ट लिया है, याद है? स्कूल में भी तुमसे तेज दौड़ा करती थी। लेटर योहान। इसीलिए तो नहीं पकड़ पाया। डोंट वरी, मामा है ना? मामा जी, एंड 5 इज द बेस्ट, वी गोना डू आवर बेस्ट। यस यस, ओके लेट्स गो।
बैठक हो। अपनी इकलौती बेटी की जान बचाने के लिए आप सिंपल से इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर सकती है। बताओ कहाँ जाना है। जस्ट ड्राइव। मामला आपका और मेरा है, इसमें इन टुल्लों का क्या काम? गेट रिड ऑफ देम। व्हाट इज शी डूइंग? वो हमसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। और वो वायरलेस माइक उतार के फेंको उसे। नाउ शी टुक ऑन द माइक। ठीक दिया। उसे सेल फोन पर किडनैपर से इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं। वेरी गुड, हमारी अच्छी जमेगी। अब इन टुल्लों से पीछा छुड़ाओ जल्दी। तुम नाश्ता कर लो वरना स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। मॉम आज सैटरडे है और आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे कहीं बाहर तो लेके जाओगी। प्लीज मम्मी शॉपिंग चलते हैं या फिर वो मॉल या फिर वो बड़ा गार्डन। मॉम प्लीज कहीं पे तो चलो। नहीं मम्मा ऐसे मॉल चलते हैं। पूरी क्लास ने देख लिया है मम्मा एक्सेप्ट मी एंड नित्या, और आज नित्या भी जा रही है। द लीव्स ओनली मी। मम्मी प्लीज चलते हैं, आपने प्रॉमिस भी किया था ना मम्मा। सॉरी आई हैव टू गो टू ऑफिस टुडे बाबा, इंपॉर्टेंट केस है। प्लीज प्लीज प्लीज। पक्का नेक्स्ट सैटरडे? पक्का प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस। ओके बाय बाय बेबी। चांस और दूंगा, लास्ट चांस फॉर गुड बिहेवियर। थैंक यू। और हाँ, मैं आपको देख सकता हूँ, सो प्लीज डोंट एक्ट स्मार्ट। जाके अपना लैपटॉप खोलिए। ये आपका आखिरी मौका है, लास्ट चांस। उन ठुल्लों को बोलो कि सनाया अपनी नानी के यहाँ है। Get out of there, right now. क्या बात है, सब ठीक? माँ का फोन था, सनाया उनके यहाँ है। अभी अभी उसे कोई वहाँ छोड़ गया है, मुझे वहाँ जाना होगा। Everything is okay. आप सभी जा सकते हैं। Thank you very much. मैं पैसे साथ लाई हूँ। Worry about the money. I don't understand. Mrs. Verma, फांसी की सजा के बारे में आपका क्या ख्याल? इस सब का सनाया से क्या कनेक्शन? एक शख्स है जिसे कोर्ट ने फांसी की सजा दी है, वो बेकसूर है, उसे फंसाया गया है, उसने हाई कोर्ट में अपील की है। मैं चाहता हूँ कि आप उसका केस लड़ें और उसे बचा लें। I want him to walk free, Mrs. Verma. अगले वेडनेसडे अपील की डेट है, इसलिए आपके पास सिर्फ 4 दिन है, only 4 days. What? अगर नहीं छुड़ा पाएं आप अपनी बेटी को कभी नहीं देख पाएंगे। Wait a minute. I want proof. मेरी बेटी सही सलामत है या नहीं? Fine. Give me 5 minutes. Thank you.
एक नया केस है। एक 23 साल की आर्ट स्टूडेंट सिया अपने घर से मिसिंग पाई गई। एक दूध वाले ने दरवाजे के नीचे से फोन रहता देखकर पुलिस को फोन किया था। 15 दिन के बाद 16 अगस्त को सिया की लाश वाशी ब्रिज के नीचे दलदल में मिली। इसका मतलब कातिल ने सिया को उसके घर पर ही मारा और लाश को ले जाकर डाल दिया वाशी ब्रिज के नीचे। ताज्जुब की बात यह है कि कातिल तुरंत पकड़ा भी गया था लाश मिलने के 2 दिन बाद। अपने रिकॉर्ड के मुताबिक नियाज रेप और वायलेंस के लिए 5 बार जेल जा चुका है। क्राइम सीन पर पाए गए फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स भी उसी के थे। सिया का वॉलेट जो नियाज के रूम में मिला था उस पर भी सिया के खून के धब्बे और नियाज के फिंगरप्रिंट्स पाए गए थे। उसके खिलाफ तमाम सबूतों के बिना पर उसे फांसी की सजा दी गई जिसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में अपील की है और 3 दिन के बाद उसकी सुनवाई है। वक्त बहुत कम है और विक्टिम की पूरी हिस्ट्री चाहिए। जी हाँ। ऑटोप्सी किसने की थी? डॉक्टर सतीश ने। और ऑफिसर इंचार्ज? इंस्पेक्टर योहान। अरे हाँ हाँ, उसको मैंने पकड़ा था, केस सॉल्व हो चुका है। और मैम ने तो वो केस ले लिया। व्हाट? हाँ। अरुण न्यास का केस ले रही है? जी। सत्यानाश। सुन सुन परमार। हाँ। देख मैं तेरे को प्योरेस्ट से प्योरेस्ट शिलाजीत ला के दूंगा। अरे यार फिर तो तू अनु को मेरा केस लेने के लिए राजी कर ले। तेरा बुढ़ापा मेरा करियर दोनों समझ जाएंगे। एक मिनट। इंस्पेक्टर योहान। इंस्पेक्टर योहान। इंस्पेक्टर योहान। योहान रुको। इंस्पेक्टर योहान। अबे जीजा जी बोलते हुए नानी मरती है क्या? सही बोल कम से कम, सीनियर रहा हूँ तुम्हारा। तुम्हारे नाम का अरेस्ट वारंट है। पता है पता है, अपनी बहन का रिश्ता लेके तो आए नहीं होगे। योहान तुम्हें अरेस्ट करने का ऑर्डर मिला है हमें। अबे चूजो, मुझे अरेस्ट कर लिया 1.5 करोड़ रुपया कहाँ दिलाऊंगा? अपना हिस्सा नहीं चाहिए क्या? हेलो अनु, ये एंटी करप्शन वाले मुझे कुतिया समझ के मेरे पीछे पड़ गए हैं बिना सीजन के। मेरे नाम का वारंट निकाल दिया इन लोगों ने। कहाँ पे हो तुम? मैं नियाज के केस में बिजी हूँ। अनु प्लीज गलती मत करो, वो कमीना रेपिस्ट है, मर्डर है, सारे सबूत है उसके खिलाफ, उसको फांसी होगी। तुम जो कुछ जानते हो बोलो ना। यो उसकी माँ प्रोफेसर है, फादर एडवर्टाइजिंग में था, दोनों का सेपरेशन हो गया था, फादर की डेथ हो गई थी और सिया उनकी इकलौती लड़की थी। और जहाँ तक मुझे पता है इनका कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं है। तुम सुनो, तुम सीरियसली उसका केस ले रही हो क्या? मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। तो ठीक है, मुझे ही बता दो मैं क्या करूँ। हेलो हेलो, ये लड़ेगी मेरा केस। बहुत बड़ी लॉयर है, कम से कम फांसी से था तू बच जाएगा। तूने कहा था तू मुझे बचा लेगा, फिर तू बोला मेरा भरोसा कर। क्या मैं बस फिर बोला कि वकील बदली कर। ठक्कर समझ के रखा है क्या? अबे बड़े से बड़े तरसते हैं कि एडवोकेट अनुराधा वर्मा उनका केस लड़े। ऐसे खूबसूरत थोबड़े केस नहीं जिताते हैं, तेरे जैसे खड़ूस वकील जिताते हैं। समझा बुड्ढे? मैं जिताऊंगी तुम्हारा केस, ट्रस्ट मी। मेरी बेटी ठीक है, मेरी माँ के पास है। Stop following me. फोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक आपकी माँ ने आपको फोन नहीं किया। To hell with your records. मेरी बेटी ठीक है। Just care of my back, please. उस किडनैपर को पकड़ना तो पड़ेगा ना। आप पकड़ेंगे उसे। चलो। वो आपका हर मूव जानता है। देखिए मिसेस वर्मा, we are trying to... Just forget it. आपकी कानून के लंबे हाथ मेरी बेटी के लिए छोटे पड़ गए। मेरी बेटी वापस आ गई है, that's all that matters. ये क्या कर रही? वो किडनैपर पकड़ा जाता है या नहीं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसेस वर्मा, आगे बढ़ो यार। हेलो हेलो, अमन बोल रहा हूँ मैम, नियाज मांगे मिलना चाहता है।
सुनो, तुम्हारी बूढ़ी माँ को डायबिटीज है और उनके इंसुलिन के इंजेक्शन के लिए तुम्हें पैसे की जरूरत थी। जब तुम चोरी करने के लिए सियाक के घर पहुंचे, तुमने देखा वो ऑलरेडी मर चुकी थी। तुम घबराकर बाहर भागे और भागने की हड़बड़ाहट में तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स वहां जगह जगह छूट गए। You're good. Very good. Sign that. अखबार में सही लिखा है आपके बारे में। वैसे तुम्हारा कौन सा माँ बाप है जो तुम्हें छुड़ाने के लिए इतना बेताब है? कई होंगे इस शहर में, बड़े बड़े लोगों को माल सप्लाई किया है, उन्हीं में से कोई अपना कर्ज चुका रहा होगा। Someone must be missing me. मेरी बड़ी सुई धागा लेके आप न्यास की सी रही हैं। This is not fair. दोस्ती में कुछ भी फेयर या अनफेयर नहीं होता, तुम ही ने तो कहा था। मेरी वीकनेस का नाजायज फायदा उठा रही। हाँ, तो मुझे सस्पेंड कर चुके, मेरा वारंट निकल गया है, अभी भागा भागा फिर रहा हूँ मैं। मेरे पास तुम्हारी आजादी है। क्या ये? तुम्हारी बेल। मेरी? थैंक यू यार। चलिए फीस बताइए। बी सीरियस योहान, आई नीड योर हेल्प। डॉक्टर सतीश से मिलना है। इतनी बुरी तरह मारने के पीछे एक ही वजह हो सकती है, विक्टिम किलर को देख रही होगी और ये किलर के लिए बर्दाश्त के बाहर था। आपका मतलब है किलर और विक्टिम एक दूसरे को जानते थे? बुलशिट। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट करते करते मेरी जिंदगी निकल गई डॉक्टर। किलर या तो सनकी था या वो विक्टिम से किसी बात का बदला ले रहा था। आमतौर पर ऐसे मर्डर्स या तो वेल प्लान्ड होते हैं या फिर हालात कंट्रोल के बाहर जाने पर अचानक किए हुए, इंपल्सिव। ये केस दोनों का मिक्सचर है। घाव बिना सोचे समझे रैंडमली किए गए हैं, मगर उसके बाद का काम एक प्रोफेशनल का है जिसने बॉडी ठिकाने लगाने से पहले अल्कोहल से साफ किया ताकि कोई सबूत न छूटे। मगर मर्डर वेपन? एक स्कल्पिंग नाइफ को आरी की तरह इस्तेमाल किया गया, लाइक अ सॉ। सोचो जैसे कि ये स्कल्पिंग नाइफ और ये स्टेक्स या की बॉडी, समथिंग लाइक। बस डेमोंस्ट्रेट मत करो प्लीज। आप हमें कुछ और भी बताने वाले थे? जी, सिया के मुंह में एक ड्रग के ट्रेसेस मिले, फेनसाइक्लिडिन। फेनसाइक्लिडिन इस ये हेलुसिनेशन क्रिएट करता है, आजकल यंग लोगों में बहुत पॉपुलर है, एंजल डस्ट के नाम से। हेलो सनाया, कैसी है? अब तक तो ठीक है। आई वांट टू टॉक टू हर, मुझे इसे बात करनी है। इन ड्यू टाइम। सुनो, हमारी इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? बाय द वे, वो दोनों बेवकूफ आपस में क्या बात कर रहे हैं? तुम यहाँ हो? टाइम निकला जा रहा है। वेयर आर यू? कहाँ हो तुम? ये आपकी हर चीज के अंदर दो ओपिनियन होते हैं, आपके दो ऑप्शंस होते हैं, ऑर्गेनाइज है, इंपल्सिव, खट्टा है, मीठा है। अरे क्राइम क्राइम है, कोई भेल थोड़ी है। So we agree to disagree. Yeah. Where we agree to disagree? या तो agree है, या disagree है। आराम से हिल मत, टेबल में पत्थर गिन कितने हैं। हेलो प्रोफेसर, मैं इंस्पेक्टर योहान, सीआई के से मैंने न्यास को पकड़ा था, आपसे कुछ बात करनी। आई एम सॉरी, मुझे कोई बात नहीं करनी। जी, जो करना था कर चुकी हूँ। मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ। नो यू डोंट, इसलिए रहने दीजिए। उस दरिंदे ने सिया के अलावा कई और बच्चियों को अपना शिकार बनाया था। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर योहान, मैं जानती हूँ। उन्हीं बच्चियों में से किसी की बहन आपसे बात करना चाहती है, दो मिनट बात कर लीजिए प्लीज। प्लीज अनुराधा वर्मा, गरिमा चौधरी। ये राइटर है, उन परिवार वालों के जख्मों को जबान देना चाहती है अपनी राइटिंग से। और उनका क्या, जिनके जख्म खुद उनसे बात नहीं करते? जख्म एक दूसरे से बात कर सकते हैं ना गरिमा जी। थैंक यू। सिया भी कॉफी का मग इसी तरह पकड़ती थी, कहती थी
पापा भी कॉफी का मग ऐसे ही पकड़ा करते थे ना, कहते थे कि हैंडल से पकड़ने से एक फासला रह जाता है। मैं जिंदगी से कोई फासला नहीं रखना चाहती, उसे अपनी नंगी उंगलियों से महसूस करना चाहती हूँ, चाहे वो कॉफी का मग हो या रिश्ते। एनीवेज आई हैव टू लीव मा। अरे मगर मैं तो अभी अभी आई हूँ। तो मैंने आपसे कहा था ना आने से पहले फोन कर लिया करो, पता नहीं मैं घर पे हूँ या नहीं, हूँ तो किस हाल में हूँ। आई एम सॉरी बेटा, मेरा कोई इरादा नहीं था आने का, यहाँ से गुजर रही थी सोचा मिलती चलूं। फिक्र किए बिना रहा नहीं जाता। मेरी फिक्र होती आपको तो पापा को नहीं छोड़ते। सिया, मैं कई बार बता चुकी हूँ, अलग होने का फैसला सिर्फ मेरा नहीं तेरे पापा का भी था। यू फोर्स्ड हिम। उनके पास चॉइस थी, या तो मुझे छोड़ते या अपनी लाइफस्टाइल को। खैर, ये कुछ पैसे रख लो। नो थैंक्स, पापा जी ये घर और अपना ट्रस्ट फंड छोड़ गए काफी है मेरे लिए। जब तक जिंदा थे मेरी जरूरतें और सारी ख्वाहिशें पूरी की, और जिंदगी के बाद भी कर रहे हैं। एनीवेज आई एम गेटिंग लेट, लेट्स लीव। अरे तूने बताया नहीं, ये कब मिला तुझे? इट्स नथिंग मॉम। बेटा, माँ के लिए बच्चे का पहला कदम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये तो ट्रॉफी जीती है तूने। चलो लेट्स गो। क्या सिया एक आजाद ख्याल लड़की थी? अपने पापा की तरह बहुत जिंदा दिल। सिया ने अपनी क्रिएटिविटी भी उन्हीं से ली थी? क्रिएटिविटी भी और लाइफस्टाइल भी। व्हाट डू यू मीन लाइफस्टाइल? वही लाइफस्टाइल जिसने फाइनली सिया के पापा की जान ली। ऑल नाइट पार्टीज, खाने पीने पे रोक नहीं, काम उनके लिए जिंदगी थी और जिंदगी एक कभी ना खत्म होने वाली पार्टी। एंड व्हाट अबाउट रिलेशनशिप्स? मैं सिया की पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देती थी। सिया कॉफी मग की तरह रिश्तों को भी करीब से महसूस करना चाहती थी। That means, उसके कई फ्रेंड्स भी रहे होंगे। फ्रेंड्स ही फ्रेंड्स थे उसके। If you don't mind me asking, boyfriends? Of course, boyfriends भी थे। नहीं होते तो मुझे बहुत हैरत होती। My CEO was just so lovely. उसकी दुनिया बहुत बड़ी थी, उसमें सबके लिए जगह थी सिवाय मेरे। I'm sorry. I think we should be sorry. अनुराधा जी, आपको जो पूछ रहा था हो गया? Done. I'm sorry. And thank you, Garima ji. Inspector Johan. जी? सुना है न्याज ने एक नया लॉयर कर लिया जो बहुत अच्छा है। हाँ, सुना तो है हमने भी। आपको लगता है वो छूट सकता है? नहीं नहीं, फांसी तो होनी उसको। जहन्नुम में सीट बुक है उसकी, आप बेफिक्र रहिए। पता नहीं, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि उसे किसी भी हालत में रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। तो चला सर जी, हम जरा थोड़ी तो याद से कह देना। जी सर, नमस्ते सर। रोनित जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। हो गए, मिले नहीं, सब ठीक? ऑल गुड सर, बस काम में उलझा हुआ था। काफी चर्चा हो रही है तुम्हारी पार्टी ऑफिस में, सुना है सीनियर प्रोसिक्यूटर की पोस्ट तुम्हारी पक्की है। आपका सपोर्ट हो तो क्या नहीं हो सकता सर। सपोर्ट्स ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू। मैं नियाज के केस के बारे में पढ़ रहा था। नियाज केस सर? सुना है एडवोकेट अनुराधा वर्मा ने इस केस को लिया है, इज इट ट्रू? यस सर, इट्स ट्रू। रोनित, हमारी पार्टी ने विमेन सेफ्टी और एंटी रेप पर मुद्दा उठाया है। अगर ऐसे में अनुराधा ने नियाज को छुड़ा लिया तो इट कैन बी अ बिग एम्बैरेसमेंट। नहीं छुड़ा पाएंगी सर, इट्स एन ओपन एंड शट केस, शी जस्ट कांट विन। गुड गुड।
ओ सनी पुत्र, कैसे भी करे खोलना पड़ेगा, नहीं तो मैं तेरा सर खोल दूंगा। सॉरी जी, नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? तू लॉक्स का न्यूटन है, तेरे से नहीं खुल रहा। जा अपने बाप आइंस्टाइन को बुला के ले जा। सर जर्मन है और वो भी लेटेस्ट, इसे मेरा बाप भी नहीं खोल पाएगा। आप ना जी मेरा सर ही खोल दो। अरे कोई तो तरीका होगा, जस्ट ट्राई समथिंग। एक तरीका है, हथौड़ा दे। ये लो जी। चल हट जी। सस्पेंडेड हूँ लेकिन हूँ तो पुलिस वाला। ब्रेकिंग एंड एंटरिंग, डैमेजिंग प्रॉपर्टी, पता नहीं क्या क्या कानून तोड़वा रही तुम उससे। कानून अंधा थोड़ी होता है जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। वो दूरबीन लेके देख रहा होता है। मरूंगा मैं। उसे वहां से पकड़ा होगा, फिर वहां से हॉल के अंदर। इस टेबल पर उसने सिया करीब किया होगा। रेप के बाद सिया ने बचने की कोशिश की, वो यहां तक जिंदा थी। उसके बाद वो सिया के पीछे यहां तक आया और यहां पर उसने उसको मार दिया। हादसा बेडरूम से शुरू हुआ, पर घर में कोई फोर्स एंट्री नहीं हुई, तो इसका मतलब सिया अपने कातिल को जानती थी। पर सिया और नियाज में क्या कनेक्शन हो सकता है? नियाज को अपने बेडरूम में, why would she let him in? अनु, ये हमारा रोज का काम है। हम किसी मासूम को जबरदस्ती फंसाएंगे नहीं, स्पेशली इस तरह के केस में। नियाज गिल्टी है। ऐसे मामलों में कोई भी 100% श्योर नहीं हो सकता। तुम कैसे हो सकते हो योहान? I don't get this. Fingerprints पूरे कमरे में बिखरे पड़े हैं और footprints भी। लेकिन murderer इतना होशियार था, उसने सिया की बॉडी को अल्कोहल से साफ किया ताकि सबूत के लिए डीएनए का कोई भी निशान ना बचे। रेस हो या केस, पीछा नहीं छोड़ती। कुछ कहा? मैंने नहीं, कुछ नहीं, कॉफी। ओ इस मेस में कैसे रहते हो तुम? मैं कहां रहता हूं यहां पर? यहां इंतजार रहता है। ऐसा भी तो हो सकता है उस रात सिया के साथ उसके स्टूडियो में कोई आया था। सिया नशे में थी, उन दोनों के बीच कुछ हुआ होगा और उसने उसे वही मार दिया। मस्ट हैव किल्ड हर राइट देन एंड देयर। नियाज स्टूडियो में आया सिया के कत्ल के बाद चोरी करने। सिया का खून जो वहां फैला हुआ था उस पर फिसल कर गिर पड़ा। वो घबरा गया, he panicked. Hence the footprints. यानी कि कोई और भी वहां था। पता लगाना है कि वो कौन था। ताज्जुब है कि तुम्हें सिया की गाड़ी नहीं मिली। अरे किलर मिल गया तो गाड़ी ढूंढ के करता मैं। Find it as soon as possible ना। अनु वर्कहॉलिक होना एक बात होता है, लेकिन तुम जो कर रही हो ना वो ऑब्सेशन है, पागलपन। एक सॉलिड रीजन तो मुझको कि नियाज मर्डरर नहीं है। और सुबह से तुमने एक बार भी सनाया को फोन नहीं किया कि स्कूल से आई है कैसी नहीं है, खाना खाया नहीं खाया। सनाया ठीक है, देखी गई थी मर्डर से पहले। अरे क्यों शर्लक होम्स की पेट पर लात मार रही हो तुम? बेनी के पास पक्की अलिबाई है, वहां पर था ही नहीं। एक अलिबाई बनाने में क्या जाता है योहान? कोई भी बना सकता है। वक्त क्या हुआ है पता है? रात भर से जाग रही हो, सो जाओ। नींद ना माशूगा की तरह होती है, वक्त ना दो तो बुरा मान के चली जाती है, फिर उसको मनाना आसान नहीं होता। सो जाओ। तुम भी तो जाग रहे थे। मेरे लिए तो रात हम सफर की तरह है, साथ साथ जागती है, फिर जाते जाते सही सलामत सुबह के हवाले कर जाती है, फिर सुबह मुझे दौड़ाती रहती है। रन योहान, रन। हेलो हेलो, मेरा पीछा।
मजाक करना बंद कर। मैंने जस्ट इन सब आंसर मैं नहीं। तुझे कुछ नहीं बताने वाला। सरकारी नौकरी की तरह हो गया, बड़ी मुश्किल से मिलता है, और भी किस्मत वाला हो। नार्कोटिक्स, तेरे अच्छे दिन गए 20 साल के लिए। यू आर नॉट अ कॉप एनीमोर, आई नो माय राइट्स। राइट्स हिंदुस्तान में राइट्स? हॉलीवुड की फिल्म ज्यादा देखता है क्या बाबू? ये बॉलीवुड है भूतनी के। उस रात सिया के साथ क्या हुआ बताएगा? टैक्सी वगैरह जाएगा, नहीं तो एम्बुलेंस में हॉस्पिटल। चूज खूनी तो पकड़ा गया ना, फिर मेरे पीछे क्यों पड़े? अरे खूनी तो तू भी हो सकता है। गोड़ो हेल तमीज से हॉलीवुड बता, नहीं तो ये हाथ हमेशा के लिए मिस कर देगा। सिया बहुत अच्छी लड़की थी जब तक पल्स कमीने से मिले। किससे? दोनों एक क्लब में मिले, वो अमेरिका में पढ़ता था। He has his nose pierced, नाक में एक रिंग पहनता था। कैसा दिखा था वो? सिया के कंप्यूटर में जाके देखो, उसकी तस्वीरों से भरा पड़ा है। हेलो मिसेस वर्मा, सनाया की हालत कुछ सीरियस है, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लगता है उसने कुछ गलत खा लिया। हॉस्पिटल ले जाओ उसे, damn it। कमाल करती हैं आप मिसेस वर्मा, एक हॉस्टेज को मैं हॉस्पिटल कैसे लेके जा सकता हूँ? उसकी दवाई कहाँ लानी है मैं बताता हूँ, जितनी जल्दी हो सके पहुँच जाइए। I'm on my way.
रिश्तों में भरोसा और मोबाइल पर नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। तुम कौन सा गेम खेल रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पूछना मुझे चाहिए कि यहाँ इस जगह पे तुम क्या कर रही हो। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? मुझे यहाँ पे किसने बुलाया? अपने चेहरे से पूछो, अपनी आंखों से पूछो, अपनी थकान से पूछो, अपनी बदहवासी से पूछो। सनाया कहाँ है? अपनी नानी के यहाँ। सनाया कहाँ है? मैंने कहा ना अपनी नानी के यहाँ। बात कराओ। कहाँ है सनाया? मैंने तुमको चीखते हुए सुनाया अनुराधा। सनाया कहाँ है? मेरी सनाया को किसी ने किडनैप किया है यार। उस किडनैपर का रैंसम न्यास की रिहाई है, इसलिए तुमने वो केस लिया? नहीं लेती तो उसे मार डालते, अब पता नहीं क्या करते यार। I don't know. ठीक है, तुमको जो करना है तुमने किया, अब मुझको जो करना है वो मैं करूंगा। No, Johan, please. No. Listen. कुछ नहीं करोगे? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझको रोक पाओगी? रोक नहीं सकते, रिक्वेस्ट तो कर सकते। रिक्वेस्ट नहीं, तुम्हें ऑर्डर की आदत है, ऑर्डर करो तुम। I'm begging you as a friend, Johan. Friend? Friend होता तो पहले तो मुझको बता दिया अनुराधा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हारे पास आना चाहती थी Johan, ट्रस्ट मी। मुझे डर था तुम इसी तरह रिएक्ट करोगे। डरना उसको चाहिए था, तुमको नहीं। वो सब जानता है Johan, मैं जहाँ भी जाती हूँ, जिससे भी मिलती हूँ, सब जानता है वो। कल रेस्टोरेंट में हम जो भी बातें कर रहे थे अब सुन रहा था वो, शायद उस वक्त वही था। I'm telling you, Johan, there's nothing I could do. मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे बोलना चाहिए था तुम्हें। I couldn't tell you, Johan. Johan, please. मुझे बताना चाहिए था तुमको। I could not tell you. सनाया कहीं नहीं गई है अनुराधा। कहीं नहीं गई अनुराधा, सनाया कहीं नहीं गई है। एक बार पहले भी मैंने अपनी सनाया को ऑलमोस्ट खो दिया था। मैं प्रेग्नेंट हुई और मेरे हस्बैंड को पता चला कि बेटी है। बोले बेटी फिर कभी, पहले बेटा चाहिए। मेरे इन-लॉज को भी बेटा चाहिए था। I was so alone. I had loved him, you know. उनके लिए मैंने अपनी वकालत छोड़ी थी, अमेरिका जाके सेटल हो गए। हमारा पहला बच्चा और उसने इतनी आसानी से कह दिया गिरा दो, मार डालू मेरी बेटी को, मेरी सनाया को। एक मर्द पिता बनता है बच्चे के पैदा होने के बाद, मगर एक औरत तभी मां बनती है जब बच्चा उसके गर्भ में आता है। मर्द कह सकता है बच्चा गिरा दो, मगर एक मां कभी नहीं। मैं भाग आई उन हथियारों से, तो उस दुनिया से दूर जहां मेरी बेटी के लिए कोई जगह नहीं थी। I almost lost her once. I can't lose her again. You will not lose her. पता है सनाया कभी कभी मुझे फोन करती थी, बोलती मम्मा के पास टाइम नहीं है, she's always busy. पता नहीं वो मुझ में क्या देखती है, पर मैंने हमेशा उसके अंदर अपनी बेटी देखी है। कभी कभी मैं अकेले में सोचता हूँ कि अगर आज मैं मर गया तो सबसे ज्यादा क्या मिस करूंगा, अपना जॉब, वर्दी, पैसा, शराब। सोचता हूँ तो जवाब में हमेशा मेरे सामने दो चेहरे आते हैं, सनाया और तुम। आज सुबह आने का वक्त क्या है? जंग तो शुरू हो गई। जेल में न्याय से मिलने सिर्फ उसका लॉयर आता है जी। अगर
जो पूरा सरप्राइज सर। अरे सरप्राइज बाद में होना, पहले काम सर। जी बोलिए ना सर। तुझे न्यास केस के बारे में पता है? कुछ ज्यादा नहीं। रिकॉर्ड चेक कर, मुझे उसके पुराने जेल के साथियों की पूरी लिस्ट चाहिए। ओके। अनु न्यास के चौक के आसपास हो, किडनैपर पक्का यहीं कहीं होगा। सुनो, तुम सिया के स्टूडियो जाओ और उसका कंप्यूटर चेक करो। मिस वर्मा, आई एम सॉरी, मेरी बेटी की जिंदगी में दाखिल होने के लिए आपको उसके घर का ताला तोड़ना पड़ा? I'm sorry, वो योहान ने कहा था कि it's okay, मैं I can stop this. नहीं ठीक है, सिया के जाने के बाद मेरे आसपास एक खाई सी बन गई थी। उस खाई को भरने के लिए मैंने इन तमाम चीजों को बिल्कुल ऐसे ही रखा है जैसे सिया अब भी यहीं है। मैंने देखा है कि ज्यादातर सिया के आर्टवर्क अधूरे हैं, क्यों? इम्पेशेंट थी सिया, कोई भी पेंटिंग या स्कल्पचर खत्म करने से पहले ही दूसरी शुरू कर देती थी, बहुत जल्दी बोर हो जाती थी। अपने रिश्तों में भी वो ऐसी ही थी? हो सकता है, अपने पापा की तरह। आप दोनों अलग क्यों हुए? यही तो आयरनी है, उनकी जिन आदतों से मैं अट्रैक्ट हुई थी शादी के बाद, वही हमारे अलग होने की वजह बन गई। उनकी क्रिएटिविटी, उनका तेवर, उनकी लापरवाही। और भी कारण थे? धनंजय के अफेयर्स। मैंने सिया को उसके पापा के अफेयर्स के बारे में नहीं बताया, इसलिए कि उसके दिल में आइडियल मैन की जो इमेज थी वो टूट जाती, इसलिए मैं खामोश रही और सिया मुझसे दूर होती गई। आपको लगता है कोर्ट न्यास की सजा को उम्र कैद में बदल देगा या उसे जमानत मिल जाए? उसके लॉयर के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। I'm sorry, I really have to take this phone call. Please excuse me, गरिमा जी. I'm sorry. राम। Welcome sir, welcome. बॉस को फोन लगा। सर वर्दी नहीं तो क्या, आप हमारे लिए अभी भी वही है जो पहले थे। दो तारीख को पीली धनो गायब हुई है। अच्छा सर, एक मिनट। हेलो बॉस, हाँ योहान सर आए हैं, पूछ रहे हैं 2 तारीख को एक पीली नैनो गायब हुई। MH14DZ MH14DZ 8118 8118 कल तक पता चल जाना चाहिए। कल तक पता चल जाना चाहिए सर? कल तक कैसे होगा सर, सारे लड़कों को भी अगर मैं काम पर लगा दूं तो कल तक पता नहीं चलाना। मैं तेरा वो हाल करूंगा, बोनट से लेकर डिक्की तक सोबा ठुकी हुई खटारा जैसा लगेगा तू। कल अपना पहला केस होगा 11 बजे। क्या न्यास का नया लॉयर भी आया है? आया नहीं है, आई है। मिसेस चौधरी, विक्टिम की माँ, एडवोकेट वर्मा, न्यास की। न्यास का नया लॉयर? मेरा आपसे झूठ बोलने का इरादा नहीं था, मैं आपको सच बताने ही वाली थी। क्या बताने वाली थी? कि मेरी बेटी के कातिल को बचाने के लिए तुम मुझसे मिले, मेरा विश्वास जीता, मुझे इस्तेमाल किया। मैंने किसी का इस्तेमाल नहीं किया, मैं सिर्फ अपना काम कर रही थी। तो झूठ क्यों बोला तुमने? शायद वो दर्द भी झूठा था जो तुम्हारी आंखों में देखकर मैं धोखे में आ गई थी। मेरे दर्द को आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है गरिमा जी, और ना ही आपके दर्द को मेरी हमदर्दी। सबका अपना अपना नरक होता है जिससे सबको अकेले ही गुजरना पड़ता है। जरा सोचिए, भगवान न करे अगर आपकी बेटी के साथ वो सब कुछ हुआ होता जो मेरी बेटी के साथ हुआ है, फिर भी आप उस रेपिस्ट को डिफेंड करती, उसके लिए लड़ती। एडवोकेट वर्मा, आपकी फर्म अब्बास जैसे दुनिया भर के क्रिमिनल्स को डिफेंड करती फिरती है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट दिस कम एनी प्रॉब्लम? और आपके इस काम में शहर का सबसे डेकोरेटेड ऑफिसर आपकी मदद कर रहा है। मिस्टर योहान, अगर आप सस्पेंड ना हुए होते तो इस नेक काम के लिए आपको एक और मेडल मिल जाता। तुमने न्यास को पकड़ा था ना, और अब तुम ही उसे छुड़ाने के लिए इनकी मदद कर रहे हो। वो चीज जिसे ईमान कहते हैं उसका क्या हुआ इंस्पेक्टर? बेच दिया?
गरिमा जी, जिंदगी सबको ईमान बचाकर जीने की लग्जरी नहीं देती है, नहीं सही या गलत पे सही चूज करने की आजादी। जिंदगी बार बार आपको ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा करती है जहाँ तय करना मुश्किल हो जाता है कि जान बचाए या ईमान। जिंदगी ने ऐसी कौन सी मुश्किल खड़ी कर दी तुम्हारे सामने कि उस दरिंदे को बचाना जरूरी हो गया? इस सवाल का जवाब मैं अभी नहीं दे सकता, दूंगा जरूर वक्त आने पर। मिस वर्मा, मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए नहीं लड़ रही हूँ, उन तमाम बेटियों के लिए लड़ रही हूँ जिनकी माएं आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही हैं। कुछ पता चला? ओबीएस डोज वाले का नाम सैम है, 23 साल का है, ड्रग एडिक्ट है, फिलहाल रिहैब में है। लेकिन सैम मर्डर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 26 जुलाई 2013 से वो अस्पताल में है, सिया के मर्डर के एक हफ्ते पहले से। टिपिकल केस, बड़े बाप का बेटा शौक के लिए अमेरिका गया, पढ़ाई नहीं सिर्फ ड्रग्स किए, मैरिजुआना से ग्रेजुएट होते होते एलएसडी एंड फाइनली एंजल डस्ट। So, आप यकीन के साथ कह सकती हैं कि सैम 26 जुलाई 2013 को एडमिट हुआ था? इज इट ऑन रिकॉर्ड? लेट मी जस्ट चेक। यस, आई एम पॉजिटिव। 26 जुलाई शाम 4 बजे वो यहाँ एडमिट हुआ था। दिस वे। ओके, लेट्स गो। ओके। क्या तुम सिया को जानते थे? सिया वॉज एन एंजल, मुझे उसके साथ बहुत अच्छा लगता था, सरा से भी डिमांडिंग नहीं थी वो, नो प्रेशर, आई फेल्ट रियली फ्री अराउंड हर। कुड यू प्लीज स्टॉप दैट, इट्स ड्राइविंग मी क्रेजी, प्लीज स्टॉप। व्हाट? दैट्स माय कार्ड, आई कांट बेयर इट। आप दोनों को पता है सिर्फ उसके गार्जियन ही उससे मिल सकते हैं। आप दोनों प्लीज गो आउट फ्रॉम हियर नाउ। किसका हुआ है? ड्रग से उसके दिमाग का शॉर्ट सर्किट हो गया। Turn the car around now. अलार्म बजने के बाद सिर्फ 5 मिनट होंगे तुम्हारे पास। ओके। शराफत की दुनिया का पिस्सा ही खत्म। रुकिए मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? मुझे वार्डन से मिलना है। अंदर जाने का परमिशन नहीं है। अब जैसी दुनिया वैसे हम। तुम नहीं जीत सकती, उसने सिया को मारा, वो तो मैं भी मार देगा। कौन है वो? किसने मारा सिया को? क्या हुआ उस रात? Calm down. Stop it. Go to me, Sam. Sam, please. Sam. Sam. सिया को किसने मारा? Sam.
सानी सिंह, आप क्या काम करते हैं? जी हमारा ताले और चाबियों का धंधा है जी, हम चाबियां बनाते हैं और ताले खोलते हैं। आपको याद होगा कि दो दिन पहले मैंने आपको अपार्टमेंट नंबर 306 का लॉक खोलने के लिए कहा था। जी आपसे खुला? नहीं जी। क्यों नहीं? मैंने आपको तभी बताया था जी, वो लॉक एकदम लेटेस्ट है जर्मनी से, और जैसा वो ताला मेरे से क्या 30 साल से धंधा कर रहे हैं, मेरे बाप से भी नहीं खुलेगा। यानी जिस लॉक को आप जैसा प्रोफेशनल लॉक पिकर भी नहीं खोल सका, उसे आम लोग तो क्या कोई शातिर चोर भी नहीं खोल सकता, राइट? राइट जी। डॉक्टर सतीश, सिया की बॉडी की ऑटोप्सी आपने की थी? यस। ऑटोप्सी में आपको क्या मिला? उसके खून में एक केमिकल के ट्रेसेस थे। कौन से केमिकल के? वो एक तरह का केमिकल है जिसे फेनसाइक्लिडीन कहते हैं, यंगस्टर्स उसे एंजल डस्ट भी कहते हैं। ड्रग्स टू यंगस्टर्स, नशे में इस्तेमाल होने वाले। यस। आपकी बेटी सिया आपके साथ रहती थी? नहीं, वो अकेली रहती थी। स्ट्रेंज, आप एक सिंगल मदर, फिर भी आपकी बेटी आपसे अलग रहती थी? हमेशा से नहीं, जब वो 18 की हुई तब से। क्यों? क्या आप दोनों में कोई अनबन हुई थी या आपके परिवार का टूटना इसकी वजह थी? गरिमा जी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। एडवोकेट वर्मा, क्या साबित करना चाहती हैं? मेरा मकसद अदालत का ध्यान इस तरफ खींचना था कि टूटते परिवारों की लड़कियां अकेली पड़ जाएं तो प्यार और सहारे की खोज में गलत रास्तों पर निकल पड़ती हैं। सिया ऐसी नहीं थी। तो कैसी थी गरिमा जी? मेरी बेटी जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स की सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। मगर उसके स्टूडियो में जितने भी आर्ट वर्क हैं ज्यादातर अधूरे हैं। क्या सिया की जिंदगी में भी कोई अधूरापन था? किसकी जिंदगी में अधूरापन नहीं होता, मुकम्मल जहां किसको मिलता है एडवोकेट वर्मा? क्या आप बता सकती हैं आपकी बेटी सिया अपनी जिंदगी का अधूरापन कैसे पूरा करती थी? जैसे आजकल के लड़के लड़कियां करते हैं अपने दोस्तों के साथ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये सिया के मर्डर का केस चल रहा है, उसकी पर्सनल लाइफ का नहीं। योर ऑनर, सिया का कत्ल जिन हालात में हुआ उसमें उसके लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा हाथ है। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू योर ऑनर। आपकी बेटी के फ्रेंड्स थे? किसके नहीं होते, उसके तो दर्जनों थे। बॉयफ्रेंड्स? हाँ, उसके लड़के भी दोस्त थे। अपने बॉयफ्रेंड से सिया का रिश्ता कैसा था? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये सिर्फ सिया को बदनाम करने की कोशिश है। आई डिसएग्री योर ऑनर। असली कातिल का पता लगाने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि सिया के फ्रेंड्स कौन थे, क्या करते थे, कैसे थे, वो किनके साथ घूमती फिरती थी और पार्टी करती थी तो कैसे पार्टी करती थी। किडनैपिंग का केस है, बैकअप भिजवा दे। क्या सिया के कई मर्दों के साथ रिश्ते थे? मैं अपना सवाल फिर से दोहरा देती हूँ, क्या सिया के कई मर्दों के साथ रिश्ते थे? गरिमा जी, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट। मैं अच्छी तरह समझती हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं। आप ये साबित करना चाह रही हैं कि मेरी बेटी बच्चलन थी, आवारा थी, किस बिना पर, क्योंकि कुछ लड़के उसके दोस्त थे। एडवोकेट वर्मा, मेरी बेटी जहीन थी, खूबसूरत थी, इमोशनल थी, लड़के उसके आगे पीछे घूमते थे तो क्या ये जुर्म है? क्या आपकी भी सोच उन लोगों की तरह है जो हमेशा औरत को ही मुजरिम मानते हैं, जो रेप हो जाने पर रेपिस्ट को नहीं लड़की को दोष देते, उसके उसके पहनावे को दोष देते, उसकी इंडिपेंडेंट सोच को दोष देते, इस बात को दोष देते कि वो लड़की है? गरिमा जी, आई एम सॉरी टू हर्ट योर फीलिंग्स। नो एडवोकेट वर्मा, यू आर नॉट सॉरी। इस वक्त आप सिर्फ एक लॉयर हैं जो हर हाल में अपना केस जीतना चाहती है। अगर आप में थोड़ी सी इंसानियत, जरा सी हमदर्दी होती तो आप मेरे दर्द को समझती। हर रात मेरी बेटी मेरे सपने में आती और कहती, मामा मुझे बचा लो, मैं जीना चाहती हूँ, हेल्प मी मामा। बचपन में जिसकी हिचकी से भी मेरी नींद खुल जाती थी, सोचो हर रात मेरे कानों में गूंजती उसकी चीखों से मेरा क्या हाल होता होगा। योर ऑनर, आई सीरियसली ऑब्जेक्ट टू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चनिंग। माय क्वेश्चंस आर रेलेवेंट योर ऑनर। प्रोसीड। क्या आपको पता था आपकी बेटी ड्रग्स लेती थी? योर ऑनर, अदालत ये नोट करे, सिया एक यंग लड़की थी, अकेली रहती थी, उसके कई मेल फ्रेंड्स थे और वो ड्रग्स भी लेती थी, और उस रात सिया के अपार्टमेंट का जो लॉक खोला गया वो बाहर से खुलना नामुमकिन था, तो जाहिर है सिया ने उसे खुद अंदर से ही खोला होगा, और सिया का किलर जो उसके अपार्टमेंट में आया वो सिया के मेल फ्रेंड्स में से ही एक रहा होगा, जिसे सिया ने खुद इनवाइट किया होगा, ना कि कोई मामूली चोर जो अपनी माँ की दवाओं के लिए थोड़े पैसे चुराने गया हो। दैट विल बी ऑल योर ऑनर। रिसेस, ट्रायल 1 घंटे बाद।
जारी रहेगा। मिस वर्मा, न्यास ने जो मेरी बेटी के साथ बंद कमरे में किया, आपने वही मेरी बेटी के कैरेक्टर के साथ खुलेआम किया। क्या फर्क है आप में और न्यास में? कुछ नहीं। मैं पता लगाता हूँ। अरे वकील साहिबा, यू वेरी गुड। हाँ, और ये गरिमा बुड्ढी क्या नाटक करती है यार, कोर्ट में क्या परफॉर्मेंस ही डाला उसने। तुझे जरा भी अंदाजा नहीं एक माँ पर क्या गुजरती है। तेरा केस भी एक माँ लड़ रही है, वकील नहीं, समझा? आपका नाम? नाजिया, नाजिया कुरेशी। आप नियाज की बेगम हैं? लीगली मैरिड? जी। थैंक यू। मैं सीधे पॉइंट पर आ जाता हूं, क्या नियाज सिया को जानता था? जी हाँ। जरा ठीक से बताइएगा, कैसे नियाज सिया को कैसे जानता था? वो सिया को ड्रग सप्लाई करता था। किस तरह के ड्रग्स? हर तरह के, एक्सटेसी, मैरुआना, एमडीएमए। उस रात वो आपसे क्या कहकर गया था कि वो क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ कहा था उसने? उसने कहा था कि वो सिया के घर वसूली के लिए जा रहा है, पैसे लेने। योआना, विटनेस के बयान से साफ जाहिर होता है कि मुलजिम सिया को पहले से जानता था। मेरा मतलब है कि सिया के मर्डर के पहले से नियाज सिया को जानता था। That's all, you know. एक मिनट। हम तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम सिया को पहले से जानते थे? ये सब बताना जरूरी था क्या? क्या बताना जरूरी है, इसका फैसला मैं करती हूँ, तुम नहीं, समझे? मैंने कहा था ना मुझे सब कुछ बता देना, कहा था कि नहीं? देखिए, सिया ने मुझे प्रॉमिस किया था कि मेरे पैसे लौटा देगी। मैं उससे पैसे लेने गया था, लेकिन जब तक मैं वहां पहुंचा तब तक वो मर चुकी थी। आई स्वेयर। क्या वो सच में मर चुकी थी? मेरा मूड बन गया था। उसकी लेना चाहता था, लेकिन वो मेरे साथ हाथापाई करने लगा। फिर मैंने उसका रेप किया। मुझे उसे मारना पड़ा, क्योंकि सिया चुप रहने वालों में से नहीं थी। बस खुश लाख जी, गुड़िया के मरने के बाद इंश्योरेंस का 70 लाख नियाज को ही मिलेगा। नहीं, ड्रग सप्लायर ने अपनी माँ का 70 लाख का इंश्योरेंस कैसे करवा लिया? बहुत पुराना इंश्योरेंस है सर, 1978 का लिया हुआ है, दुबई के किसी शेख अब्दुल रहमान ने लिया था। और तो उसकी माँ के इश्क की सौगात है ये इंश्योरेंस। और अगर नियाज की मौत हुई तो? उसकी बीवी है ना, नाजिया। नाजिया है जी। ओ, कहानी में नया ट्विस्ट। एडवोकेट वर्मा जीतने के लिए लड़ती है और जीतना आदत है उसकी। वो कुछ भी कर लें सर, नियाज को फांसी होकर रहेगी। वैसे भी हाथ लगाने के बाद हारना अच्छा नहीं लगता है। ट्रू। ये फाइल सर, जिसके लिए आपने कल बोला था, जैसे आपको चाहिए था। अब्बास मिडिल लेवल की दादागिरी करता, ना बड़ा ना छोटा। थैंक्स। मिस वर्मा जी, आपका कुरियर।
साइन, थैंक यू। ये नकली है, मगर कल असली हाथ भी मिल सकता है, और उसके बाद आपकी बेटी के बाकी टुकड़े भी इसी तरह। हेलो। हेलो। हाँ, कैसी हो? ठीक हूँ। नाजिया के बारे में क्या पता चला? देखो, चक्कर ये है कि न्यास की जेल में या फांसी से मौत हो जाती है हुँ. तो उसकी माँ के इंश्योरेंस का 70 लाख रुपया उसकी बीवी नाजिया को मिलेगा, इसलिए कोर्ट में उसने उसके खिलाफ बयान दिया है। तो आपने कहा कि 26 जुलाई 2013 से सैम आपके हॉस्पिटल में था, आपने कहा? Yes. तो ये क्या है? 19 अगस्त को सैम सिया के फ्यूनरल में था। अगर वो आपके हॉस्पिटल में था तो फ्यूनरल में कैसे हो सकता है? उसका डबल रोल चल रहा है क्या? वेल, एज पर आवर रिकॉर्ड्स उस दिन वो डेफिनेटली हॉस्पिटल में ही था। हमें सैम से मिलना है, वही बता सकता है कि उस दिन वो कहां था। नॉट पॉसिबल, उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। उस कंडीशन में आप उसे कैसे डिस्चार्ज कर सकती हैं? अगर गार्जियन कहे तो हमें करना पड़ता है। उसका गार्डियन कौन है? नहीं बता सकती, हॉस्पिटल पॉलिसी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होती है। ओके मैडम, मैडम मैडम, यहाँ कुछ लेना देना हो तो बताइए, थोड़ा बहुत मैं भी दे सकता हूँ। आई एम सॉरी, ये यहाँ पर नहीं चलता। तो क्या चलता है? ऐसा कौन सा पावरफुल गार्डियन था जो ट्रीटमेंट पूरा होने से पहले ही उसे डिस्चार्ज करा कर ले गया? मुझे हॉस्पिटल रिकॉर्ड देखने के लिए आपको वारंट की जरूरत पड़ेगी। लेडीज नहीं होती ना, तेरे गाल पे यही छापता वारंट में। समझी? चलो आजकल शरीफ सिर्फ वो होता है जिसके मोबाइल पासवर्ड नहीं होता है। ये माताजी मिली भी 100% आराम। सर वो पीली नैनो का पता चल गया है। वेरी गुड, सीआई कार मिल गई है। मैं इसका वारंट निकलवाता हूँ, सैम का पता मालूम करता हूँ, तुम फौरन जंकयार्ड पहुंचो। वो पीछे वाली ये लो। हाँ। एक नोज रिंग है। फिर सैम ने मुझसे क्यों कहा कि वो जानता है कि सिया को किसने मारा? It's quite possible कि उसे खुद को पता नहीं है कि उसने क्या किया। जो ड्रग्स वो लेता है ना, सब हेलुसिनेशंस पैदा करते हैं। मगर होश में आने के बाद तो याद रहता होगा। कुछ याद नहीं रहता। अगर नशे में उसने किसी के टुकड़े भी कर दिए होते ना, तो याद नहीं रहेगा। एनीवे, डीएनए एनालिसिस पूरी हो चुकी है, मगर हमें सैम का कुछ सैंपल लगेगा, ब्लड, हेयर, एनालिसिस क्रॉस चेक करने के लिए। मेरे पास है घर पे, एक पेपर पे सैम का ब्लड सैंपल है, वो चलेगा? दौड़ेगा। हेलो अनु, मुझे कुछ पता चला है। क्या? मैं सैम का बैकग्राउंड चेक कर रहा था। तुमने महेश बगले का नाम सुना है? वो एमपी? हाँ, वो उसका बाप है। उसने अपना पॉलिटिकल करियर बचाने के लिए सैम को छुपा रखा था। ये केस गटर बनता जा रहा है, पता नहीं इसके अंदर से क्या क्या निकलेगा। वेलकम एडवोकेट वर्मा, कैसी हैं आप? आपने कहा था दुआ करना हम दोबारा कभी ना मिलें। दुआ की थी मैंने, मगर क्या करें, हम जैसों की दुआ कबूल कहां होती है। महेश मखले ने भेजा है तुम्हें। सॉरी एडवोकेट वर्मा, बिना बुलाए ही आ गए। शराफत तो नहीं, लेकिन जरूरत थी। चीयर्स। यस ऑफिसर।
नया से मिलने कोई आया था? जी कल आया था। कल आया था जी। कौन? सर उसका नाम विजय मडगांवकर है। विजय मडगांवकर? बिल्कुल सही सर। अरे वही है ना जिसे तूने मंदारा किडनैपिंग केस में पकड़ा था? एब्सोल्युटली राइट सर, ये वही है। जेल से कब छूटा? ये कुछ 6 महीने पहले। आपको वो वर्सोवा विलेज में मिलेगा। कहाँ? वर्सोवा विलेज। वर्सोवा विलेज, ओके ओके ओके। थैंक यू जी सर। मेरे बेटे का इस केस से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए तुमने हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स फोर्ज किए हैं, और जब हमने इंक्वायरी शुरू कर ली उसे फॉरेन डिस्चार्ज करवा लिया। यू डोंट अंडरस्टैंड, वो नशे में धुत सुबह सुबह घर आया अपनी गर्लफ्रेंड सिया की गाड़ी में, उसी की लाश लेकर। What have you done? What have you done? क्या किया तूने? It's really unfortunate inside. कि मर्डर कोई और है, I mean नियाज। इस वक्त नियाज से ज्यादा सैम मर्डर लग रहा है। इसीलिए इतनी रात गए मैं यहाँ आया हूँ। ड्रग्स ने मेरे बेटे का ये हाल कर दिया है। कि सिया के मरने की सुबह उसे यकीन था कि सिया का खून मैंने किया है, इसीलिए वो बेवकूफ सिया के फ्यूनरल पर भी गया था। और जब मुझे पता चला तो मैंने उसे रिहा में डाल दिया पेपर बैक टेक करवा कर। What are you doing? Stop it! Please don't do this. अब क्या कर रहे? हो सकता है सैम मर्डर ना हो। Don't do this, please. क्या फर्क पड़ता है? अगले साल मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूँ। सैम मर्डर है या नहीं है? How does it matter? But what matters is ऐसी छोटे स्कैंडल्स मेरा करियर बर्बाद कर सकती है। Please don't do this. क्या कर रहे हो? Stop it, please. मैंने आपसे कहा था, याद है? जो कभी नहीं हुआ होता है वो कभी ना कभी जरूर हो जाता है। अब्बास जी, क्या इसका पाइप काटा? काट दिया। तेरी अम्मा ने जिसके बारे में नहीं बताया मैं तेरा वो बाप हूँ। तेरा कुत्ता नहीं तुझे भोग क्यों नहीं रहा? ठुल्लों पे ही भोंकता है। Yeah.
बच्ची का है, बच्ची का है। चाहूंगा, लगता है मेरे छोकरे लोग आजकल प्रैक्टिस में नहीं है। कोई बात नहीं, कुछ लोग उम्र के साथ बढ़ते हैं और कुछ लोग बिगड़ते हैं। ये मेरा बेटा सैम है, मैं चाहता हूं कि तुम इसे कुछ दिन के लिए महफूज रखो, पर इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, आपका बेटा अब हमारा राज है। मैं छूट जाऊंगा? तू बोल कामिला बोल। सिया के स्टूडियो से मिले फुटप्रिंट्स और फिंगरप्रिंट्स, उसकी वॉलेट से मिले फिंगरप्रिंट्स, ये सारे ऐसे पक्के सबूत हैं जिससे शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि मुलजिम नियाज ने ही सिया का कत्ल किया है। और इसके जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें बलात्कार शामिल है, जिसमें अपनी हवस के कारण औरतों का किया गया सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन शामिल है, ये सारे रिकॉर्ड्स उसका मोटिव साबित करने के लिए काफी हैं। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, जैसे कि प्रोसिक्यूशन का दावा है, सिया का कातिल मेरे सामने खड़ा शख्स नियाज भी हो सकता है। साइलेंस, डिफेंस प्लीज कंटिन्यू। जैसा मैंने कहा, मेरी जांच के मुताबिक भी सिया का कातिल नियाज भी हो सकता है। अदालत की जानकारी के लिए, नियाज सिया के यहाँ ड्रग्स सप्लाई किया करता था, लेकिन वो ड्रग्स सिया के बॉयफ्रेंड सैम के लिए थे और उस रात नियाज वहाँ सैम से मिलने गया था। तुम? वो सैम ने माल मंगाया था, पैसा मांगता है। रुको। यानी कि मर्डर के वक्त एक और शख्स वहां मौजूद था। What are you doing? ये लो। Thank you. Leave. नया माल ले चखोगी? नहीं, थैंक यू, लीव। It's good. काउंसिल सिर्फ अंदाजा लगा रही है योर ऑनर, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मर्डर की रात सैम वहां पर मौजूद था। एब्सोल्युटली राइट योर ऑनर, इसका कोई सबूत नहीं है। और ये बात भी सही है कि अभी अभी मैंने जो कहा ये सिर्फ अंदाजा है,
और इस बात का मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। मगर क्या प्रोसिक्यूशन के पास मेरे क्लाइंट के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत है? मसलन मर्डर वेपन, वो सो कॉल्ड स्कल्पटिंग नाइफ जिस पर नियाज के फिंगरप्रिंट्स है, वो कहाँ है? मेरे क्लाइंट को कसूरवार साबित करने की जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन की है। जहाँ पर मर्डर हुआ वहाँ पर मिले नियाज के फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स प्रोसिक्यूशन कोर्ट में सबमिट कर चुका है योरोना। फुटप्रिंट्स और फिंगरप्रिंट्स पुख्ता सबूत नहीं माने जा सकते योरोना। जब तक प्रोसिक्यूशन वो मर्डर वेपन जिस पर डिफेंडेंट के फिंगरप्रिंट्स है पेश नहीं कर सकता, तब तक डिफेंडेंट को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता योरोना। और उस रात सैम भी वहीं था। खूनी कोई भी हो सकता है क्योंकि नियाज एक ड्रग डीलर है, इसलिए कानून का उस पर शक करना कन्वीनियंट है। मगर सैम एक बड़े बाप का बेटा है, who has connections well into the system. इसीलिए पुलिस ने उसे इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं समझी। अगर थोड़े समय के लिए मान भी लिया जाए कि सैम ने सिया का मर्डर किया था, तो फिर सवाल ये उठता है कि उसने सिया का, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड थी जिसे वो बेहद प्यार करता था, उसका मर्डर किया क्यों? मोटिव क्या था? सिया और नियाज को कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देखकर सैम कंट्रोल से बाहर हो गया होगा और शायद उसने गुस्से में आकर सिया को मार डाला होगा। नशे में वो शायद था ही, बिग ड्रग एडिक्ट। जहाँ पर मर्डर हुआ वहाँ पर कम से कम नियाज के फिंगरप्रिंट्स तो मिले। क्या डिफेंस काउंसिल के पास ऐसा एक भी सबूत है जिसे वो साबित कर सके कि उस रात वहाँ पर सैम मौजूद था? एक सबूत एडवोकेट वर्मा, एक सबूत है योर ऑनर। माफी चाहूंगा मगर कोर्ट से अपील करना चाहता हूं कि इंसाफ के हक में अभी इसी वक्त इन्हें सुना जाए। प्लीज योर ऑनर, प्लीज। परमिशन ग्रांटेड। जिस रात सिया की मौत हुई क्या तुम वही थे? जी। क्या तुमने सिया को मारा? नहीं, जब मैं उठा तो वो मरी हुई थी वहां पर। किसी ने उसे मार कर वही छोड़कर निकल गया था वो। को अपने घर ले गया। और फिर तुम्हारे पिता महेश मखलई ने लाश को अल्कोहल से धोकर उसे ठिकाने लगाने दलदल में फेंक दिया। जी। That's it, Your Honor. इसका मतलब ये हुआ कि कातिल नियाज और सैम दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन असली कातिल कौन है ये तभी साबित होगा जब वो मर्डर वेपन मिले जिस पर कातिल के फिंगरप्रिंट्स हो। लेकिन कत्ल के बाद के सारे इल्जाम सैम और उसके करोड़पति पिता महेश मखलई पर हैं। बॉडी को मर्डर के जगह से निकालना, उसे अल्कोहल से साफ करना और फिर ठिकाने लगाने दलदल में फेंक देना, इनसे सैम और महेश मखलई के जुर्म साफ साबित है। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि वो इस केस को दोबारा ओपन करें और जब तक असली कातिल का पता नहीं चल जाता मेरे क्लाइंट नियाज को बेल पर रिहा करें। नियाज अपनी गरीबी और पिछले रिकॉर्ड का काफी हर्जाना भर चुका है योर ऑनर। मैं ये नहीं कहती कि उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए, लेकिन बेल उसका कानूनी हक है योर ऑनर, और वो उसे मिलना चाहिए। थैंक यू योर ऑनर। कोर्ट ऑर्डर्स महेश मखलई एंड सैम मखलई टू बी टेकन इनटू पुलिस कस्टडी। डिफेंडेंट नियाज को बेल दी जाती है। मिसेस वर्मा, मैंने कहा था ना आपसे,
इस अब्बास में चाहे 100 बुराइयां क्यों ना हो, अपना कर्ज चुकाना वो कभी भूलता नहीं। खुदा हाफिज। सॉरी मुखलाई साहब, कुछ लोग उम्र के साथ बदलते नहीं, बिगड़ते हैं। न्याज, कहाँ है तू? अरे मैं निकल गया जेल से। I am a free bird, I am a free bird, I am a free, 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 free। कहाँ तू? मैं यहीं हूँ, कार पार्क में, काली जीप में। चा, चा। I'm a free bird. La la la. Woo woo woo. Woo woo woo. मर्डर को छुड़वाने के लिए कौन इस हद तक जा सकता है? ओ विजय, इस ताले की चाबी उसके पास है।
किसे करवाया तुझसे? सब कुछ बता। बता दो, सब बता दो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? I'll only take a few minutes, sir. Please. I'm really very sorry, Garima ji. पर मेरी सनाया उनके पास थी और मेरे पास उनकी शर्त मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। खोने का दर्द मैं जानती हूं गरिमा जी, मगर मुझे वो दर्द जाहिर करने की आजादी नहीं थी, रोने की भी आजादी नहीं थी। मुझे तो बस किसी तरह किसी भी कीमत पर अपनी सनाया को वापस लाना था। आप खुद भी एक मां हैं, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मजबूरी समझेंगी। अब तो वो ठीक है ना? जी, मगर एक बार तो मैं उसे लगभग खो ही चुकी थी। उन लोगों ने उसे कुछ खाने के लिए दिया था जिससे उसे एलर्जी थी। शायद उसकी जान भी जा सकती थी अगर मैं टाइम पर उसकी दवा लेकर वहां नहीं पहुंचती तो। आपको लीडम की बोतल हमेशा सनाया के स्कूल बैग में रखनी चाहिए। आपको कैसे मालूम कि सनाया की दवाई लीडम है? आपने ये सब? क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आप एक ब्रिलियंट लॉयर हैं और मुझे पूरा यकीन था कि आप ही न्यास को छुड़वा सकेंगे। आप सिया के कातिल को छुड़वाना क्यों चाहती थी? तुम्हारा टिकट और ये पैसे, आज के बाद तुम मुझे जिंदगी में दोबारा नजर नहीं आओगे। वो अंदर है। तुझे रिहा कराने के लिए मुझे क्या कुछ करना पड़ा तुझे मालूम है? मैंने एक मासूम बच्ची के साथ वो सब किया जो एक मां सोच भी नहीं सकती। अब तुझे मौत मिलेगी, ऐसी मौत जो तू नहीं सोच सकता। हर साल दशहरे के दिन रावण को क्यों जलाया जाता है मालूम है? रावण के जुन्म की याद दिलाने के लिए कि किसी भी लड़की पर उसकी मर्जी के खिलाफ हाथ डालने की एक ही सजा है, उसे जला के राख कर देना। पेट्रोल! क्या आपको मालूम है कि वो मौत कैसी होती है जिसके आगे फांसी भी रहम लगे? मेरी बेटी भी इसी तरह चीखी होगी। मुझे उसकी चीखे आज भी सुनाई देती, रात में सोने नहीं देती, मेरे कानों में गूंजती, मेरे रगों में आग लगा देती, मेरी रूह को छलनी छलनी कर देती। मेरी बेटी की चीखें तेरी चीखों से ही खामोश हो पाएंगे न्यास। We'll be right back.
को जिंदा जला दिया। अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए उसकी यही सजा हो सकती थी। आप भी एक मां हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। नो, आई डोंट अंडरस्टैंड। आपकी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मेरी बेटी को किडनैप करवाने का हक आपको किसने दिया? मैंने सनाया का पूरा ख्याल रखा, यकीन मानो अपनी सिया की तरह रखा। फिर भी उसको जो सदमा पहुंचा है उसकी मैं गुनहगार हूं, लेकिन न्यास को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए अगर मुझे फांसी भी हो जाए तो मुझे उसका कोई अफसोस नहीं। Are you okay? Yeah. योहान सर, कब से आपको फोन ट्राई कर रहे हैं, आप अपना फोन क्यों नहीं ले रही? मिसेस गरिमा चौधरी, अनबिलीवेबल। एडवोकेट अनुराधा वर्मा की बेटी को किडनैप करवाने और मुजरिम नियाज को जिंदा जलाने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। आप अभी इसी वक्त मेरे साथ चलेंगी, प्लीज। एक मिनट ऑफिसर, क्या आपके पास इनका अरेस्ट वारंट है? क्यों, ये आप क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि ये मेरी क्लाइंट है और मैं इनकी वकील। अगर मैं एक मुजरिम को छुड़वा सकती हूं तो यकीनन एक मां को बचा कर रहूंगी। हाँ जी, कस्टमर। अरे कस्टमर तो रोज आते हैं, आज उम्मीद आई है। ये एप्रन तुम्हें सूट करता है, कीप इट ऑन, इट्स लुकिंग गुड। दोबारा वर्दी पहनने का मौका तो दिया नहीं तुमने। मौका तो तुमने भी नहीं दिया थैंक यू बोलने का। मैं थैंक यू बोलने के लिए साथ थोड़ी दिया था। तो किस लिए दिया था? कुछ बातें कहने सुनने की नहीं होती। थैंक यू। वेलकम। बाय द वे, मैंने तुम्हारे केस के लिए अपील की है। अरे रहने दो, अब जरूरत नहीं है, मेरा मन लग गया इसमें। सनाया कैसी है? अच्छी है, नानी के पास है। फिर नानी के पास है? सच, नानी के पास है। ओके, बात कराओ। नहीं, नानी के पास है, मैं वही जा रही हूँ यहाँ से। चलो, मराठी में बेटर एक्सप्रेशन है, येते मी, आती हूं। आती हूं। क्या सर, जाने दिया आपने? अबे मोहब्बत है इसलिए जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती।